क्या इंडिया ये टेस्ट मैच जीतेगी या फिर ये टेस्ट मैच ड्रॉ होगा। चौथे दिन स्पिन पिच होने के बावजूद वॉशिंगटन सुंदर ने शानदार बैटिंग करी और 85 नॉट आउट रन्स बनाए। स्पिन विकेट था इसलिए पहला ही ओवर अश्विन ने कराया और इनिंग्स की पहली ही गेंद पे रॉरी बर्न्स का विकेट लिया। आज अश्विन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 6 विकेट लिए और अपना 28th 5 विकेट हॉल पूरा करा। डैन लॉरेंस को LBW करके ईशांत शर्मा ने अपना 300 टेस्ट विकेट पूरा किया। जो रूट स्पिनर्स को अटैक करके खेल रहे थे और उन्होंने 48 रन बनाए। बुमराह की अंदर आती हुई गेंद पे वो LBW हो गए। रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने इंडिया को एक शानदार स्टार्ट दिया लेकिन जैक लीच की एक बेहतरीन गेंद पर रोहित शर्मा बोल्ड हो गए। इंडिया को जीतने के लिए 90 ओवर्स के अंदर 381 रन चाहिए। इंडिया के पास 6वें 7वें नंबर तक बैट्समैन हैं और जिस हिसाब से ऋषभ पंत स्पिनर्स को अटैक करके खेलते हैं, स्पेशली टकले स्पिनर्स को अटैक करके खेलते हैं, मुझे लगता है कि इंडिया ये टेस्ट मैच जीतेगी। तो स्पिन विकेट होने के बावजूद मुझे लगता है कि इंडिया ये टेस्ट मैच जीतेगी। कमेंट सेक्शन में आप बताएं कि इंडिया ये टेस्ट मैच जीतेगी या फिर ये ड्रॉ होगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि दबा के 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए।